सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, एक क्रॉस दिया था। सो हैव यू डन? कल जो सिखाया रिपीट करो एक बार। अच्छा कल का पूरा लेक्चर रिपीट करो। मिस शॉर्ट में रिवाइज करवा मेरा नेटवर्क इशू। ओके आपने कहाँ तक अटेंड किया था? स्टार्टिंग में ही मैंने। ओके सो कल हमने ऑटोसोमल इनहेरिटेंस देखा। You know what is autosomes and what is sex chromosomes, right? So chromosomes total कितने pairs के होते हैं? 23 pairs, जिसमें से 22 pairs are the autosomes and one pair are allosome, right? One pair is allosome, that is also called as sex chromosome. इतना पता है आपको? Yes. Okay. So autosomal inheritance कल हमने study किया, जिसका मतलब ये, जिस 22 pairs are autosomes, तो जो भी डिसीजेस आपका जो भी इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ दिस ऑटोसोम्स हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर? यस। ओके सो जिसके हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, नाउ ऑटोसोमल डिसीजेस में भी दो टाइप के होते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड द अनदर वन इज रिसेसिव। वी नो व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव, राइट? यस। सो डोमिनेंट ट्रेट्स में एग्जाम्पल हमने देखे थे जैसे कि विडोस पीक एंड हस्टिंगर्स डिजीज, जिसका हमने ये विडोस पीक का प्रोसेस भी दिया था एग्जाम्पल, एंड द अनदर वन इज हस्टिंगर्स डिजीज। ओके जहाँ पे आपका नर्व सेल्स का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, स्टार्ट होना, एंड द अनदर वन इज रिसेसिव। रिसेसिव में हमने एग्जाम्पल देखे थे पीकेयू, दैट इज फिनाइल कीटोनेरिया, मतलब जहाँ पे आपका कौन सा एंजाइम, बच्चा लोग कल कुछ एंजाइम पढ़े थे हमने, द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइल इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? टायरोसिन। विद द हेल्प ऑफ व्हिच एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। यस फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सी। आगे हाइड्रोक्सिलेज। ओके सो बच्चा यहाँ पे रिसेसिव में जैसे कि पीकेयू, तो फिनाइल कीटोनुरिया में क्या होता है, आपका नॉर्मली जनरली जो अमाइनो एसिड्स उसके दैट इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। ओके फिनाइल हाइड्रोक्सी दिस ये एंजाइम है जिसके वजह से आपका यहाँ पे कन्वर्जन होता है। सो नाउ इन सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स जो इस बीमारी से वो होते हैं सॉरी उनके उसमें क्या होता है, योर दिस एंजाइम इज एब्सेंट, तो जिसके वजह से क्या होता है आपका फिनाइल क्या होगा, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड, राइट? आपका जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस इज नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। इतना समझा शरण? यस। तो ये एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से ये जो डिग्रेडेशन है ये नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे आपका क्या होगा, your phenylalanine will get start accumulation, okay? जिसके वजह से it will be excreted in the urine as well. अब what is the full form of this PKU? Phenyl ketonuria. Okay. So ketonuria आपको वैसे भी कहीं देखने मिलेगा, that is nothing but the excretion of the ketone bodies in urine, okay? तो यहाँ पे फिनाइल कीटोनुरिया मतलब एक्सक्रीशन ऑफ सम अमाउंट का आपका जो फिनाइल एसिड एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन। समझ में आया? यस। ओके एक जो विडोज पीक था डोमिनेंट में, विडोज पीक में हमने ये देखा कि नॉर्मली दो टाइप के हेयरलाइन होते हैं, वन इज स्ट्रेट और एक आपका वी प्रोमिनेंट शेप का होता है। ओके सो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज विडोज पीक, जहाँ पे आपका जो हेयर है वहां पे आपको ऐसा फोरहेड के ऊपर ऐसा वी प्रोमिनेंट शेप दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज विडोस पीक। ओके दिस इज डोमिनेंट। इसके कुछ प्रोसेस भी देखे थे हमने, जैसे समझ लो इस केस में टॉल होगा प्लांट या डॉर्फ? टॉल। इस केस में? टॉल। इस केस में? डॉर्फ। ओके सो सिमिलरली विडोस पीक आपका क्या, इट इज अ डोमिनेंट। ओके तो मतलब यहाँ पे सेम प्रोसेस, अब स्ट्रेट लाइन के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और डोमिनेंट यहाँ पे जो डिसीज विडोज पीक वाला डिसीज है उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। ओके सो सिमिलरली वी कैन डू वेरियस प्रोसेस, जैसे कि कल हमने एक से दो प्रोसेस करके देखे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे आपका ये है वन कैपिटल डब्ल्यू वन स्मॉल डब्ल्यू, तो ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन और विडोज पीक?
Spirospora. Yes. And this one? Spirospora. This one? Straight leaf. Yes. समझ में आया. सो दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसीज. ओके, ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसीज है बिकॉज यहाँ पे आपका एक भी कैपिटल प्रेजेंट है तो वो डिसीज उसमें होने वाली है. इज इट क्लियर? यस. अब आपका रिसेसिव है उसमें उल्टा होता है बच्चा. रिसेसिव इज लाइक वॉट? अगर आपका एक प्रेजेंट है सो दैट इज गोइंग टू बी एक्ट एज कैरियर इंस्टेड ऑफ डिसीज. समझ में आया? बिकॉज रिसेसिव हमको पता है, रिसेसिव कब एक्सप्रेस होता है? व्हेन इट इज इन अ होमोजाइगस कंडीशन, राइट? तो रिसेसिव डिसीज में क्या होगा, अगर आपका ये कंडीशन है सो इट इज लाइक एन कैरियर. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेसिव में हमने कौन से डिसीज पढ़े थे बच्चा लोग? आपका पहला तो PKU हो गया, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया का कल क्रॉस देखा था ना हमने, या हेमोफीलिया का देखा था? हेमोफीलिया का. ओके, ठीक है. सो यहाँ पे इट इज लाइक, अभी आगे वापस मैं क्रॉस बताऊंगी तो आपको समझेगा. हेमोफीलिया का जैसे कि क्रोसेस होता है आपका, दिस इज योर फीमेल, दिस इज योर मेल, राइट? तो यहाँ पे जो रिसेसिव वाला डिसीज है, यहाँ पे अगर नॉर्मली क्या था, यहाँ पे कैपिटल आपका प्रेजेंट हो रहा था तो इट इज फॉर कॉजिंग द डोमिनेंसी, राइट? यस. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ हेमोफीलिया, तो कैपिटल एच रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंडीशन. वाय? बिकॉज रिसेसिव डिसीज है ना, तो मतलब जब स्मॉल लेटर यूज करेंगे तब इट इज गोइंग टू डिनोट द डिसीज. इज इट क्लियर? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेसिव ऑटोसोमल डिसीज. तो यहाँ पे हम स्मॉल लेटर से डिसीज जो है उसको वो करते हैं. ओके, सो दिस X capital H, ये कैसी फीमेल हुई? She is normal carrier or deceased? Normal. Because दोनों capital H, right? Yes. Now another example is one capital H and one small H. ये कैसी फीमेल हुई? Carrier. Yes, exactly. She is a carrier. अब normally अगर हम dominancy का logic लगाते हैं, अगर ये नॉर्मल होता तो ये कैसी होती? नॉर्मल होती, राइट? यस. जैसे अगर हम इसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं इंस्टेड ऑफ डिसीज कॉजिंग डोमिनेंट, जैसे हमने यहाँ पे देखा एक भी कैपिटल डब्ल्यू आ रहा था तो इट मीन इट इज अ वी शेप, राइट? विडोस्पिक. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, रिसेसिव में इट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट. अगर आपका यहाँ पे वन स्मॉल एच है, वन कैपिटल एच है, मतलब दिस इज एन कैरियर. ओके, यस. नाउ दिस इज, ये क्या होगा? कैरियर. आप लोग बताओ क्या होगा ये मेल? हेमोफीलिक. स्टडी किया था ना? यस, दिस मेल इज गोइंग टू बी हेमोफीलिक बिकॉज कल जैसे कि हमने देखा फीमेल्स हैव टू XX, राइट? तो जब हमने फीमेल में एक स्मॉल एच और एक कैपिटल एच किया, इट मीन दिस इज गोइंग टू बी सप्रेस्ड बाय दिस. समझ में आया? बट स्टिल दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. कल मैंने मेरा एग्जांपल लिया था, याद है सबको? यस मैम. तो शी विल बिकम कैरियर, लेकिन आपको इसके ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं देखेगा, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि शी इज अ कैरियर. ओके, वो सिर्फ उसका जेनेटिक सीक्वेंस से पता चलेगा कि हाँ ये कैरियर है, बट नॉर्मली फिजिकली कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा. तो आपको समझेगा ही नहीं कि शी इज कैरियर. बट मेल्स में सिर्फ एक्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर ये हेमोफिलिक प्रेजेंट हो गया, मतलब दिस मेल इज एन हेमोफिलिक मेल, अफेक्टेड मेल. समझ में आया शरण? यस. तो आपके मेल्स में कैरियर नहीं होते बिकॉज हमारे पास मेल्स में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स है. फीमेल में कैसा, दो एक्स है ना, तो एक स्मॉल आ गया तो एक कैपिटल वाला उसको क्या कर रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, एटलीस्ट फॉर दिस दैट जनरेशन. ओके, उस जनरेशन में वो सप्रेस हो जा रहा है, बट शी इज गोइंग टू बी एक्ट एज कैरियर. अब कैरियर मतलब क्या? अब जब आप फ्यूचर में इसका वापस से वो होने वाला है. ओके, दिस इज एन कैरियर. सो यहाँ पे हम एक क्रॉस कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज अ कैरियर, राइट? यस. अब इसका अगर मैं क्रॉस कराती हूँ, ये समझा सबको?
मैम एक्सेस एक्सेक्ट क्रॉस किससे कराते हैं हम अफेक्टेड मेल से ठीक है दिस इज एन अफेक्टेड मेल राइट हेमोफिलिक मेल है ये यस सबसे पहले क्रॉस कराओगे तो इट इज गोइंग टू बी एक्सएच एक्सएच राइट यस कैरियर देन दिस इज एक्सएच एंड वाई दिस इज एक्सएच एक्सएच एंड दिस इज एक्स एच वाई राइट यस करेक्ट ओके सो नाउ दिस इंडिविजुअल इज व्हाट कैरियर कैरियर दिस वन नॉर्मल नॉर्मल मेल ओके नॉर्मल मेल चाइल्ड दिस वन अफेक्टेड अफेक्टेड फीमेल चाइल्ड राइट फीमेल दिस वन अफेक्टेड मेल चाइल्ड ओके तो समझ में आया यहाँ पे रेशियो कल हमने yes. जो रेशियो किया था 25% आपका क्या आ गया एक कैरियर 25% नॉर्मल मेल 25% अफेक्टेड मेल 25 अफेक्टेड मेल अफेक्टेड मेल समझ में आया सबको यस व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस जनरेशन बिकॉज वो जो कैरियर थी उसको खुद को कुछ नहीं हुआ बट जब उसका एक हेमोफिलिक मैन के साथ शादी हुआ तो उसमें से 50% बच्चे अफेक्टेड हैं राइट yes. मतलब 25% चांस है कि एक अफेक्टेड फीमेल होगी और 25% चांस है कि एक अफेक्टेड मेल होगा राइट यस यस ओके समझ में आया सो कैरियर मतलब ऐसा होता है जो खुद तो अफेक्टेड नहीं होता है बट इट डिपेंड्स कि उसका जो मैरिज है वो किसके साथ हो रहा है और प्रोबेबिलिटी क्या है चिल्ड्रन इज इट क्लियर सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस व्हाई क्रिस क्रॉस बिकॉज इट इज लाइक दिस मतलब खुद तो अफेक्ट नहीं हो रहा नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट कर रहा है ठीक है अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे हमने हेमोफिलिक मेल लिया था राइट नाउ विल टेक एज नॉर्मल मेल एज एन एग्जाम्पल तो कैरियर का हम क्रॉस कराएंगे विद नॉर्मल मेल सो क्या हो जाएगा दिस इज एक्स एच एंड एक्स राइट यस यस क्या आया रिजल्ट 25% अफेक्टेड बराबर है दिस इज नॉर्मल दिस इज नॉर्मल मेल नॉर्मल मेल दिस इज कैरियर फीमेल एंड दिस इज अफेक्टेड मेल समझ में आया सबको यस तो दूसरा वाला क्या है सारा आंसर का प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है Is it clear? Yes. Yeah. Okay. इसके बाद हमने sex link inheritance देखा था. Sex link मतलब क्या शारण? Autosomes मतलब क्या था? That is affected by the autosomes, right? So sex link में क्या आएगा बच्चा लोग? बोलो बाकी के लोग कल हो गया है ना? His voice break. Hello. अभी आ रही है? Yes. Yes, yes, ma'am. Okay, मैं पूछ रही हूँ sex link inheritance मतलब क्या कल हमने देखा था ना what is sex link inheritance? ma'am जो sex cells के वजह से हो रहा है germ cells. Yes. So it is divided into two, right? X link, Y link. Yes. So X link में first of all, शरण आप मुझे इसका आंसर दोगे कि हमने जो X and Y chromosomes का पढ़ा था structure According to that, ये जो genetically diseased causing वाले हैं सर, वो कहाँ present होंगे? कौन से region पे chromosome के? Non-homologous region. Okay, very good. ठीक है? So दोनों भी non-homologous है, right? Yes. Yes. Okay. Then इसके अलावा, अभी हमने X chromosome में यहाँ पे क्या देखा कि females have 2XX, right?
तो अगर एक कैरियर हुआ तो दूसरा वाला उसको क्या कर रहा है, सप्रेस कर दे रहा है इन दैट जनरेशन. बट वाई वाले में क्या है, मेल्स हैव ओनली वन क्रोमो वन एक्स क्रोमोजोम. तो इसीलिए मेल में अगर आपने देखा ना एक भी स्मॉल एच किया मतलब इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड राइट, ना कि वो कैरियर है. इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बिकॉज उसके पास सिर्फ एक एक्स प्रेजेंट है. ओके अब इसके अलावा और हमने क्या देखा था बच्चा लो, एक्स लिंक में अगर फीमेल में डिसीज कॉज कराना है दिस एक्स लिंक डिसीज, तो उसके लिए क्या चाहिए, दो का दोनों एक्स शुड बी रिसेसिव राइट. इन फीमेल टू रिसेसिव सेक्स लिंक आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक जीन्स. हम रिसेसिव की बात कर रहे हैं, अगर हमको फीमेल अफेक्टेड चाहिए इसका मतलब दैट शुड बी बोथ इन रिसेसिव कंडीशन. तो दोनों क्रोमोसोम्स को क्या है, टू क्रोमोसोम्स रिक्वायर्ड इन अ रिसेसिव कंडीशन टू अफेक्ट, मतलब आपका जो डिसीज है उसको एक्सप्रेस होने के लिए आपका दोनों क्रोमोसोम रिसेसिव कंडीशन में चाहिए. इज इट क्लियर? यस. बिकॉज़ फीमेल में सेम, अगर एक ही प्रेजेंट है तो इट इज सप्रेस बाय द अनदर एक्स क्रोमोसोम और वो फीमेल कैरियर बन जाती है डिसऑर्डर से अफेक्ट करने के वजह. अब इसके अलावा सेम वही वाई में क्या है, वाई में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वहां पे अगर प्रेजेंट होगा तो इट विल बी सफर विद डिसीज. ओके नाउ वाई लिंक जीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज होलैंड्रिक जीन्स राइट. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, नॉन होमोलोगस रीजन. इसके अलावा इट इज ट्रांसमिटेड ओनली वाई टू वाई लिंक राइट. मेल टू मेल इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल, क्योंकि फीमेल में तो वाई लिंक होता ही नहीं है राइट. यस. सो दिस वाई लिंक होलैंडिक जीन्स आर गोइंग टू ट्रांसमिटेड फ्रॉम वाई टू वाई, जिसका एक एग्जांपल हमने लिया था हाइपर ट्राइकोसिस. ये एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हाइपर मतलब ज्यादा, ट्राइकोसिस मतलब हेयर. सो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज हाइपर ट्राइकोसिस. इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट जो देखा था हमने दैट इज कलर ब्लाइंडनेस. तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, द पर्सन आर अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड कलर राइट. दो का दोनों उसको ग्रे कलर दिखता है. सो यहाँ पे भी सेम, जैसे अभी हमने हेमोफीलिया का डिस्कस किया बच्चा, यहाँ पे भी कलर ब्लाइंडनेस का भी सेम. अगर नॉर्मल मेल है तो इट इज गोइंग टू बी एक्स कैपिटल सी एंड वाई. नॉर्मल फीमेल है तो एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी राइट. यस. कैरियर फीमेल है तो एक्स कैपिटल सी एंड वन स्मॉल स्मॉल सी. अफेक्टेड फीमेल है तो एक्स स्मॉल सी एक्स स्मॉल सी. समझ में आया? यस. क्या होगा, योर दिस इज गोइंग टू बी ए स्मॉल लेटर. तो यहाँ पे हमने दो तीन कल प्रोसेस किए थे और एक क्रॉस मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया? Yes, ma'am. Yes. चलो अभी एक हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे कि कलर ब्लाइंड मेल है तो शरण बताओ क्या होगा इसका, अफेक्टेड मेल है तो एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल सी वाई. नॉर्मल फीमेल एक्स कैपिटल सी वाई एक्स कैपिटल सी. ओके समझ में आया सबको? सो नाउ विल डू द क्रॉस X capital C, X small c. Correct है? Yes. यहाँ पे again X capital C, X small c. This one is X capital C, Y. And this one is X capital C, Y. Is it clear to everyone? Yes. So यहाँ पे अभी first वाला क्या है? This one is आपका क्या है, कैरियर फीमेल एंड 50% नॉर्मल मेल राइट. 50% कैरियर डॉटर्स एंड 50% नॉर्मल सन. इज इट क्लियर? ओके अब इसके अलावा हमने कैरियर और नॉर्मल मेल का थोड़ी देर पहले हेमोफीलिया का किया राइट. अभी आप लोग बताओ कैसे करना है.
सेम जैसे हमने हेमोफीलिया का किया, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होता, तो कैरियर डॉटर मतलब दिस इज वन कैपिटल सी एंड वन स्मॉल सी, राइट? कैरियर डॉटर विथ नॉर्मल मेल, सो एक्स कैपिटल सी एंड वाई बराबर है? यस यस एक्स कैपिटल सी वाई बराबर, इसका क्या आएगा? एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, देन दिस इज एक्स स्मॉल सी वाई, बराबर है? यस यस सो दिस इज नॉर्मल नॉर्मल फीमेल, दिस वन नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल कैरियर फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल. Yes. समझ में आया सबको? Yes. Affected male और color blind male. तो यहाँ पे अगेन 25% normal, 25% normal female, normal male, 25% is color blind female and color blind male. This is carrier female. Carrier female. Carrier female. Okay. समझ में आया सबको? तो यहाँ तक हमारा हो गया था, right? Yes. Okay. आज हेमोफीलिया स्टार्ट करना था बट वो हमने पहले ही कर लिया. तो हेमोफीलिया मतलब क्या बच्चा लोग? शैरन समझ में आया आपको? यस मैम. ओके, तो कल हमने यहाँ तक किया था. टुडेज टॉपिक इज नाउ हेमोफीलिया. ओके, सो हेमोफीलिया में क्या होता है बच्चा? हेमोफीलिया इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज, राइट? यस यस. इसके अलावा दूसरा नाम पता है आपको? रॉयल डिजीज. यस, सो हेमोफीलिया इज आल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिजीज और यू कैन से ब्लीडर्स डिजीज. नाउ यहाँ पे होता क्या है, आपका क्लॉटिंग जो है बहुत ही स्लो होता है, राइट? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ व्हाट? फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9. ओके, यस. तो फैक्टर एब्सेंस होने की वजह से आपके ब्लड में आपका जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो बहुत ही स्लो हो जाता है. ओके, तो इवन एकदम छोटा सा कट भी अगर हो गया नाइफ से तो आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है. समझ में आया? इसको हेडिंग दो थोड़ा सा, यहाँ पे ये फैक्टर्स लिखो, दिस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9. नहीं, पहले ये हेडिंग दो, हेमोफीलिया और रॉयल डिसीज और ब्लीडर्स डिसीज. डन. सो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, हेमोफीलिया इज ड्यू टू डेफिशिएंट इन क्लॉटिंग फैक्टर्स सच एज, मतलब ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है किसी में और किसी में बहुत ही कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट होता है. ओके, हेमोफीलिया इज ड्यू टू deficient in clotting factors such as factor 8 or 9 in blood. Okay, so yahan pe bacha log ye wala kaun se region mein locate hoga hemophilia ka, homologous and non homologous recessive gene? Non-homologous region. Non-homologous. Yes, non-homologous region. Okay, so recessive gene again is located in non-homologous region. यहाँ पे भी same, जैसे हमने color blind का देखा है ना बच्चा, same यहाँ पे भी होगा. जो female है, this is also criss-cross inheritance. मतलब आपकी female कभी affected होगी,
जब आपका दोनों क्या होगा स्मॉलेस्ट समझ में आए. दिस इज अफेक्टेड फीमेल. अगर इट इज लाइक दिस सो दिस इज एन कैरियर राइट. मेल्स में अगेन सेम कलर ब्लाइंडनेस और इसका एकदम सेम ही है. तो अभी मैं आपको क्रॉस बोल रही हूँ आप बताओ. पहले मुझे ये बताओ मैंने होमवर्क आपको कौन सा क्रॉस दिया था मैम. नॉर्मल मेल कलर ब्लाइंड फीमेल. ओके सो दिस इज कलर ब्लाइंडनेस का दिया था ना. यस यस. नॉर्मल मेल एंड कलर ब्लाइंड फीमेल किया आप लोगों ने मैम. 50% कैरियर फीमेल और 50% कलर ब्लाइंड मेल. 50% कैरियर फीमेल. हाँ 50% कलर ब्लाइंड नॉर्मल मेल. कोई नॉर्मल मेल बोल रहा है कोई कलर ब्लाइंड. कलर ब्लाइंड मेल आएगा. यस कलर जिसने नॉर्मल बोला जिसने कलर ब्लाइंड बोलता है अभी हम लोग चेकआउट करते हैं. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या आ जाएगा x कैपिटल c x स्मॉल c. ओके देन अगेन दिस इज x कैपिटल c x स्मॉल c. नाउ दिस वन x स्मॉल c y. अगेन दिस इज x स्मॉल c y. तो यहाँ पे क्या आ गया आपका बोथ दिस आर कैरियर फीमेल and both these are affected male color blind male. Color blind male. Yes. Okay. Yes. So 50% is color carrier female and 50% is affected male. Or you can say color blind male. समझ में आया जो normal male बोल रहा था बच्चा. Yes. Is it clear to everyone? Okay. तो ऐसे अगर आपको एक बार process आ गया ना बच्चा तो कुछ भी रहने दो you can just find out it. ओके सो नाउ नेक्स्ट वन अभी हम लोग इसका हेमोफीलिया का देखते हैं. हेमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल. हेमोफिलिक मेल क्या हो जाएगा दिस वन राइट. यस नॉर्मल फीमेल इज दिस वन करेक्ट. यस यस. सो फर्स्ट इज गोइंग टू एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच राइट. Then again it is x capital H x small h. समझ रहा है ना direct लिख रही हूँ. Yes. So here this one is x y. X capital H and y. And this one is x capital H y. तो answer क्या मिला आपको. Carrier female normal male. Normal male. Is it clear? So 50% yes. carrier daughters and 50% normal son, normal male. Okay. Now next carrier daughter and normal male. Carrier daughter मतलब this is X one capital H, X one small h, right? Normal male means this. Correct है? Yes. Okay. So first one it is going to be like this. So X H X H right. Then again this one is going to be with this. So X H and Y. बराबर है सबको समझ में आया या पूरा प्रोसेस करके दिखाऊं. Yes समझा. Now this one. So X capital H and this X small h. This one is X small h and one capital Y. तो क्या हो गया दिस इज नॉर्मल नॉर्मल. दिस वन इज नॉर्मल नॉर्मल फीमेल. दिस वन इज कैरियर फीमेल कैरियर फीमेल. दिस वन इज अफेक्टेड मेल. समझ में आया. सो यहाँ पे भी सारी चीजें हमको 25% मिल रहा है. एक नॉर्मल फीमेल एक नॉर्मल मेल एक कैरियर फीमेल एक कलर ब्लाइंड मेल और अफेक्टेड मेल. इज इट क्लियर टू एवरीवन. Yes. Yes. यहाँ तक yes. किसी को कुछ डाउट. No ma'am. Okay. अभी आप लोगों को फाइंड आउट करके एक बॉक्स दिख रहा है. There is written somewhere. उसको थोड़ा पढ़ो और मुझे बताओ कि वहां पे क्या लिखा है. अभी समझ में आएगा आपको कितना समझे क्रॉस. आर्या शोज नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बट हर मदर इज हेमोफिलिक
Ramesh shows normal blood clotting, but his father is hemophilic. If Ramesh and Arya were to marry, then find out the possible phenotypes of their offspring. Samjha question? Yes. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. तो आपके क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे भी आते हैं, तो उसको जरा पढ़ो और समझो कि अगर आपका जो मेल है मतलब डैड अफेक्टेड है तो क्या रिटर्न्स आएगा, और जहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है क्या रिटर्न्स आएगा. आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस मैम. हाँ, उसको थोड़ा सा स्टडी करो और समझो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो, बुक पे लिखो क्रॉस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको पहले जीनोटाइप फाइंड करना है. ओके, लाइक अगर मम्मा ऐसी है, कलर ब्लाइंड है, तो पॉसिबिलिटीज आएंगी राइट, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. गेटिंग माय पॉइंट? यस. मिस आर्या कैरियर है और रमेश नॉर्मल. ओके, आर्या कैरियर है. आर्या शोज नॉर्मल क्लॉटिंग बट हर मदर इज हेमोफिलिक. यस. मम्मी कैसी है उसकी? शी वाज हेमोफिलिक राइट, बट आर्या नॉर्मल है. मतलब एक एक्स इसका गया और एक एक्स उसके पापा का नॉर्मल आया. समझ में आया? सो आर्या आपकी कैसी हो गई? शी बिकम्स कैरियर. वेरी गुड. समझ में आया सबको ये? यस. आर्या का हमको यहाँ पे क्या मिला? शी इज कैरियर. ओके. दूसरा, रमेश शोज नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बट हिज फादर इज हेमोफिलिक. रमेश नॉर्मल. नॉर्मल आएगा मैम. कैसे भाई? अब मुझे मिस अगर उसका पापा हेमोफिलिक है राइट, तो उसके पापा का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हुआ? इट इज लाइक दिस करेक्ट? यस. अब रमेश नॉर्मल, रमेश क्या है? लड़का है राइट? यस. तो उसकी मम्मी का कैसा रहा होगा? रमेश क्या है? नॉर्मल. नॉर्मल. तो मतलब रमेश के पास पापा का वाई आया राइट, और उसकी मम्मा कैसी है? शीज नॉर्मल. और यू कैन से देर इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी कि शी कैन बी अ कैरियर. समझ में आया? ये भी प्रोबेबिलिटी ना, मान लो अभी ये वाला गया है तो शी ही बिकम्स नॉर्मल. नॉर्मल राइट. अगर लेकिन मैं यही क्वेश्चन अगर आपको कुछ अलग दी होती, जैसे सारे टाइप की पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है ना, तो यहाँ पे तो आप समझ गए दैट इज वेरी गुड. अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि रमेश इज नॉर्मल बराबर, उसका पापा लेकिन क्या है? हेमोफिलिक है. तो ये हमको मिल गया कि ही इज नॉर्मल राइट. अगर मैं अभी आपको ऐसा क्वेश्चन देती कि रमेश के जो फादर है ही इज हेमोफिलिक, बट रमेश कैरियर बन सकता है क्या? यस बन. यस. कैरियर कैसे बनेगा बच्चा लोग? मेल्स कैरियर होते हैं क्या? नो नो नो. ही इज गोइंग टू बी डायरेक्टली अफेक्टेड. कैरियर नहीं बनते में. ओके, सो एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ ये था. नाउ यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बच्चा, कि रमेश इज अ बॉय राइट, तो अगर उसका फादर हेमोफिलिक है भी तो एक्स क्रोमोसोम से उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है करेक्ट? यस. यस. तो अगर मुझे इसको नॉर्मल चाहिए रमेश, तो इसका मतलब इसकी मम्मा इधर नॉर्मल होने चाहिए. और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसका फादर हेमोफिलिक है, आपको मदर का वो बोलना है, और समझ लो कि रमेश भी क्या है, ही इज ऑल्सो हेमोफिलिक. ओके, तो मतलब क्या ये फादर की वजह से हुआ? मदर की वजह से हुआ. ऑब्वियसली नो, बिकॉज ये एज तो इसमें जाएगा नहीं राइट. तो इसकी मदर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? कैरियर होगा. अफेक्टेड होगा. It can be like this or affected. Or affected. Okay, so दोनों में से 50-50% chances है कौन सा एग्जाम आता है. तो सबको समझ में आया all possible types के question? Yes, ma'am. Okay.
तो हमने क्या है यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, पॉसिबल फिनोटाइप हमको ऑफस्प्रिंग्स के निकालने, इनके क्रॉस कराने। तो ये आर्या हो गई, रमेश कैसा है? He is normal. Normal. So first one is XXXX, right? Normal female. Next one is normal male. XXX. अच्छा हाँ sorry. Normal male. It is normal male. Okay. Now this one XXXX. Carrier female. Carrier female. And last one is affected male. तो अभी सबको अच्छे से आ गया प्रोसेस करना? Yes. इजी है, तो क्वेश्चन में प्रोसेस बहुत आते हैं, चाहे जो टाइप का क्रॉस है, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी चीजें कैसे रिप्रेजेंट करनी है. ओके, एंड व्हाट इज दिस नॉर्मल, व्हाट इज दिस कैरियर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस. ओके, सो हियर वी आर डन विद हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, विडो स्पेक, पीकेयू, फिनाइलकेटोनूरिया. सबको सारे डिसीजेस समझ में आए? यस यस. नाउ नेक्स्ट वन इज सेक्स डिटरमिनेशन. सेक्स डिटरमिनेशन मतलब क्या बच्चा लोग? मेल लेके फीमेल, मेल लेके फीमेल. यस, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी. ओके, दिस इज कॉल्ड अ सेक्स डिटरमिनेशन. और जेंडर नॉर्मली आ बच्चा डिटरमाइन द जेंडर ऑफ बेबी भी बोल सकते हैं ना? यस, जेंडर. So the term sex is refers nothing but the sexual phenotype, you can say, correct? Externally pata chalta hai na who is male, who is female. Yes. Yes. Okay. So normally kitne type ke sexes present hote hain? Two. In general pooch rahi ma'am. Haan, in general, overall. It is not like the humans ki baat kar rahi hu. So unisexual, bisexual, right? Ab maine aap logo ko difference bataya tha, yaad hai? यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल, एक मैंने आपको बताया था होमोफ्रोडाइट एंड द अनदर इज हर्माफ्रोडाइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बच्चा लोग? मिस यूनिसेक्सुअल में आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम हेलो मैम. हाँ बच्चा बोलो. मैम यूनिसेक्सुअल में इधर मेल या फीमेल रहता है, बाइसेक्सुअल में दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. यस, एंड होमो और हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या? प्रोडाइट, याद आ रहा है कुछ बताया था मैंने? यहाँ पे जब हम लोग यूनिसेक्स और बायोसेक्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स. ओके, आइदर मेल और फीमेल, सेक्स क्या है, समझ में आया? And when we are talking about hermaphrodite and homophrodite, it means we are talking about sex organs, जहाँ से आपका ये sex derive होने वाला है. समझ में आया? जैसे for example, ovum से आपका egg release हो रहा है, right? Testis से आपका क्या release हो रहा है? तो testes and ovum आपका क्या हो गया? They are sex organs. Organs. Okay. और उसके बाद gametes में हमारा क्या होता है? Sperms and ovum. एग और ओवम, यू कैन से. समझ में आया? यस. ओके, तो हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या बच्चा लोग? हर्मा मतलब डिफरेंट डिफरेंट, टू. सो बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, और एक मैंने बताया था मोनोइशियस, याद है? मोनो मतलब वन, मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स आपका प्रेजेंट है. So these are the three names denoting the one same thing only. एक ही same thing को कितना तीन चीज में करके बताया. Okay? Similarly यहाँ पे भी unisexual, homophrodite, or you can use dioecious. Okay? इसका मतलब unisexual condition. तो इतना सबको clear है? Yes. Now अभी आपका 1891 में ये अभी हमको पता चल गया, इट बिकम सो इजी. एक्स वाई कितना अच्छे से हम पता लगा लेते हैं ना, एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है. बट ये सब पहले पॉसिबल नहीं था. तो इन 1891, सॉरी उल्टा ही लिख दिया मैंने बोलते बोलते, सो इट इज 1891. ओके, थिंकिंग करके वॉज द साइंटिस्ट. अभी जैसे हमने बोला था, आपको याद है मेंडल को जीन्स क्या है नहीं पता थे, उन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर. फैक्टर, यस.
सिमिलरली यहाँ पे 1891 में इसके ऊपर जब कंटिन्यू स्टडीज चल रही थी तब सबको ये नहीं पता था कि व्हाट इज दिस एक्स व्हाट इज दिस वाई. ओके तो वहां पे सिर्फ इतना पता था कि 50% ऑफ स्पर्म रिसीव्स दी मतलब 50-50% चांसेस होते हैं ना जो बेबी है इट बिकम आइदर मेल और फीमेल राइट. ऐसा कुछ है कि 25% चांसेस ज्यादा है मतलब 25% चांसेस फीमेल के 75% मेल के हैं. इज देयर समथिंग लाइक दैट? नो नो. तो ये जो एक्स बॉडी एक्स फैक्टर है ना जिसको अभी हम लोग एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं हैंकिंग वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने अभी जिसको हम एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं उसको उन्होंने नाम एक्स बॉडी दिया. समझ में आया? नाउ वी आर कॉलिंग इट एज एक्स क्रोमोसोम. इज इट क्लियर? तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हैंकिंग इज द साइंटिस्ट जिन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया 1891 में. दैट्स इट. नाउ आफ्टर दैट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग. आई होप आप लोगों को 95% तो पता ही होगा इसमें. ठीक है. सो अगेन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स? 23. टू कौन बोला? ओके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर आर एलोसोम. ओके कितना क्लियर है सबको? यस. एलोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है. नाउ यहाँ पे फीमेल कैसे रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्स. ओके प्लस कितने ऑटोसोम्स होंगे? 44. यस. मेल अगर मैं बात करूं तो एक्स वाई प्लस 44. तो समझ में आया ये पूरा? नाउ ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन अब मेल आपका कैसा है? डिप्लॉइड है बराबर. उसके जो जर्म सेल्स है टेस्टिस के दैट इज आल्सो डिप्लॉइड. पता है सबको? यस. अंडर गो द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस मतलब क्या? प्रोडक्शन. फॉर्मेशन मतलब स्पर्म. यस. तो उसका फॉर्मेशन जो आपका डिप्लॉइड सेल्स है इट इज गोइंग टू बी गैमेट. कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज इन बिटवीन ईदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. हैप्लॉइड. यस. तो यहाँ पे अभी ऑर्गेनिज्म क्या है आपका? डिप्लॉइड. ओके अब जैसे कि डिप्लॉइड जर्म सेल्स टेस्टिस के जो सेल्स है दैट इज आल्सो डिप्लॉइड बट वो किस में जाएगा? इट इज गोइंग टू बी मियोसिस राइट. रिडक्शनल डिवीजन टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हैप्लॉइड गैमेट. यस और नो? यस. यस. तो उसमें से कितने परसेंट? 50% जो स्पर्म होंगे दैट इज गोइंग टू बी कैरी 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम राइट. यस. समझ में आ रहा है? नहीं. 44 ऑटोसोम्स है. ओके यहाँ मेल की बात कर रहे हैं हम. ठीक है 44 ऑटोसोम्स है. एक एक गैमेट ही जाता है ना. एक एक क्रोमोसोम ही पास ऑन होगा राइट. तो इट विल बी डिवाइड इनटू 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस एक्स 22 प्लस वाई. सिमिलरली यहाँ पे तो दोनों सेम ही होता है. 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स. समझ में आया सबको इतना? नाउ देयर इज 50-50% एक्स आएगा. अच्छा हाँ सॉरी एक्स पहले लिख दिया मैंने उल्टा कर दिया. मार्कर दिख रहा ना सबको? यस. ओके नाउ हियर बच्चा लोग इट इज 50-50% डिपेंड करता है कि कौन सा वाला किसके साथ फ्यूज होगा बराबर. आइदर इट विल गो फर्दर और इट विल गो फर्दर राइट. सो देयर इज 50-50% पॉसिबिलिटी. अब अगर यहाँ पे आपका वाई गया यहाँ से कोई एक तो आएगा ही राइट. सो दिस इज द कॉमन कि 22 प्लस एक्स तो है ही. यहाँ पे आपका 50-50% क्या है? पॉसिबिलिटी है. तो अगर ये वाला एक्स गया तो इट इज गोइंग टू बी 22 प्लस एक्स एक्स. तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स. तो इट इज गोइंग टू राइज फीमेल. फीमेल. यस. और अगर ये वाला गया तो अगेन 22 44 प्लस एक्स वाई. क्योंकि एक्स फीमेल के पास से ऑलरेडी है. नाउ दिस वाई बिकम्स फ्रॉम मेल. सो इट इज बिकम्स मेल. मेल. तो समझ में आया सबको? यस. यस. सेक्स ऑफ द बेबी इट डिपेंड्स ऑन फादर एंड नॉट ऑन मदर. समझ में आया? बिकॉज इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप का स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है एग को. अब यहाँ पे होमोगैमेटिक एंड हेटरोगैमेटिक सुने हो कभी बच्चा लोग? एनी आइडिया?
मींस दो अलग टाइप के गैमेट थे, तो हेटेरोगैमेटिक और सेम गैमेट्स तो होमोगैमेटिक। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपके फीमेल्स जो होते हैं दे आर होमोगैमेटिक, मतलब होमो मतलब सेम, गैमेटिक मतलब गैमेट, सॉरी ओके। सो आपके फीमेल क्या कर रहे हैं, होमोगैमेटिक, बिकॉज दोनों भी सेम टाइप का गैमेट है एक्स एक्स, राइट, शी इज होमोगैमेटिक। योर मेल इज हेटेरोगैमेटिक बिकॉज यहाँ पे दो अलग टाइप का गैमेट देखने मिल रहा है, एक एक्स एक वाई। सो मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक एंड इट डिपेंड्स ऑन मेल की कौन से टाइप का जो स्पर्म है आइदर एक्स और वाई वो एग को फर्टिलाइज करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। कुछ कंफ्यूजन बच्चा लो? अभी यहाँ पे देखो हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कंसेप्ट समझ में आया, ह्यूमन के ऑर्गन्स क्या थे, दे आर डिप्लॉइड, बराबर, दिस इज डिप्लॉइड स्टेट, डिप्लॉइड से मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड कंडीशन में गए, इसमें से एक इनहेरिट हुआ आगे 22 प्लस एक्स, ये दोनों में से 50-50 चांसेस है कि कौन सा जाएगा। तो यहाँ पे गैमेट्स आर ऑलवेज इन हैप्लॉइड स्टेट, सबको दिख रहा है? Yes. और जैसे दोनों एडिशन हो जाते इट बिकम्स अगेन डिप्लॉइड, बिकॉज इसके आगे आपका क्या बनने वाला है, ऑर्गेनिज्म, राइट, एम्ब्रियो, जाइगोट, बेबी, तो बेबी इज अगेन डिप्लॉइड इन स्टेट, तो दोनों का एडिशन करके वापस से डिप्लॉइडी लेवल क्या हो गया, वापस से मेंटेन हो गया। तो समझ में आया यहाँ पे सबको? Yes. अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा मेल एंड फीमेल का प्रोसेस कर लेते हैं, दैट इज वेरी इजी। सो हियर योर मेल, हियर फीमेल, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या आएगा, एक्स एक्स फीमेल, एक्स एक्स फीमेल, एक्स वाई मेल, एक्स वाई मेल, समझ में आया? So 50% chances of female, 50% chances of male. समझ में आया सबको? Yes. There is 50%, मतलब यहाँ पे 50% होता है, the sex ratio is 1:1, okay? क्योंकि 50-50 divide करोगे तो क्या हो जाएगा, 1:1, समझ में आया? So the sex ratio is 1:1, that is 50-50% chances है कि male है या 50% chances है female है। अभी जो मतलब नॉर्मली जो ओल्ड टाइम्स का आप लोगों को पता है ना, फीमेल्स को ब्लेम करते थे वहां पे कि बेटा yes, की बेटा yes. बहुत सुना होगा राइट, मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, जबकि लॉजिकली आप देखोगे तो इट डिपेंड्स ऑन द मेल, राइट, यस राइट, टाइम कैसा होना चाहिए, तो फिर अननेसेसरी फीमेल्स को ब्लेम करते हैं, जबकि फादर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड, राइट, और ना कि मदर। तो ये चीज अभी हमको पता है बट बाकी के लोगों को नहीं पता, तो उनको नहीं समझता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? यस यस। तो यहाँ से एक और चीज क्या ध्यान में रखना है बच्चा लोग आप लोगों को, कि फीमेल्स आर होमोगैमेटिक एंड द मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। यस। अब ह्यूमंस का हो गया, नाउ वी विल स्टडी सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। ओके, अभी जो आपका बर्ड्स है यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। अभी हमने ह्यूमंस में क्या देखा कि मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, राइट, एंड द फीमेल्स आर होमोगैमेटिक। बर्ड्स का सबसे पहले हम क्रोमोसोमल मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। ह्यूमन बींग्स का क्या था बच्चा लोग, इट इज राइट, यस, बर्ड्स का इट इज ZW ZZ, समझ में आया? Yes. Yes. यहाँ पे भी हमने पहले क्या रिप्रेजेंट किया, फीमेल एंड मेल, फीमेल एंड मेल, तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, फीमेल दो अलग टाइप का प्रोड्यूस कर रही है, राइट, सो फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक इन केस ऑफ बर्ड्स, व्हेरएज मेल्स आर होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, समझ में आया? Yes. सो इन केस ऑफ बर्ड्स फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक एंड प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एग, तो मतलब ये क्या कर रही है, दो टाइप का एग प्रोड्यूस कर रही है, एक जेड वाला एक W वाला, ओके, तो यहाँ पे भी सेम 50-50% चांसेस डिपेंड कर रहे हैं, बट यहाँ पे कौन है, हु वन इज रिस्पॉन्सिबल, फीमेल, यस, फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी, तो यहाँ से तो सेम एक जेड ही कंट्रीब्यूट होगा। नाउ इट डिपेंड्स, अब इसका हम प्रोसेस कराएंगे तो इट इज गोइंग टू बी दिस ZZ
ZZ ZW ZW. समझ में आया? दिस वन इज मेल मेल फीमेल 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 यस. तो यहाँ पे भी ह्यूमन जैसा ही 50-50% चांसेस है कि आपका जो चाइल्ड होने वाला इट विल बी आइदर मेल और फीमेल. जस्ट द डिफरेंस इज कि वहां पे फादर वॉज द की फैक्टर टू डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी एंड हियर आपकी जो फीमेल है शी इज हेटरोगैमेटिक एंड शी हैव द राइट टू डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी. तो कौन सा वाला एग फ्यूज हो रहा है वो मैटर करता है यहाँ पे. ओके, क्योंकि 50% जो एग है दे कैरी एक्स क्रोमोसोम जेड क्रोमोसोम एंड 50% डब्ल्यू क्रोमोसोम. समझ में आया? Yes. अब फीमेल हेटरोगैमेटिक है डजंट मीन कि फीमेल यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है, ये चीज भी याद रखना. ठीक है, फीमेल इज प्रोड्यूसिंग द टू टाइप्स ऑफ एग, दिस इज टाइप्स ऑफ एग एंड नॉट द स्पर्म. समझ में आया? Yes. आपका यही है जेड एंड जेड, इट इज अ टाइप ऑफ एग. तो कौन से टाइप का एग फर्टिलाइज हो रहा है उसके ऊपर आपका यहाँ पे सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन हो रहा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अब इसको थोड़ा सा अलग वे में हम स्टडी करते हैं. जैसे कि सेम हमको पता है कि बर्ड्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड, राइट? सो अभी यहाँ पे अगर आप मेल का कंसिडर करते हो तो इट इज टू एंड डिप्लॉयड प्लस जेड जेड, राइट? फीमेल टू एंड प्लस जेड डब्ल्यू. ये समझा सबको? यस यस. ओके, अभी यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसा हो जाएगा? दिस इज एन प्लस जेड, दिस इज एन प्लस जेड, राइट? एक जेड इधर, एक जेड इधर, एक एन इधर, एक एन इधर. इज इट क्लियर? एन प्लस एन टू एन, जेड प्लस जेड टू जेड. समझ में आया सबको? कुछ डिफिकल्टी यहाँ पे? नो नो. सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज एन प्लस डब्ल्यू एंड हियर आल्सो एन प्लस डब्ल्यू, एन प्लस जेड आएगा. यस मैम, एन प्लस जेड. अच्छा, मैंने सिर्फ टू डब्ल्यू लिखा है. अच्छा, दिस इज जेड, राइट? यस. So this will be n plus z and this is will be n plus w. बराबर? Yes. समझ में आया? Yes. ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉसेस होंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके साथ, तो n प्लस n कितना हो गया? 2n. 2n. Z and z. So this is the constitution of this. That is the male, right? तो ये आपका मेल बर्ड हो गया, करेक्ट? समझ में आया सबको? Yes. Now, next one is this, n plus n, 2n, z पर w, z w. तो ये क्या हो गया? Female bird. Female bird. Okay. Is it clear to everyone? Yes. 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 This is sex determination in bird, diploid plus ZZ. So, यहाँ पे birds के case में your females are heterogametic, producing two types of egg. So, it depends कि कौन से type का egg fertilized हो रहा है sperm से. So, we are done for today's lecture. Next time अभी हम लोग जो बाकी है उसका और पढ़ेंगे, sex determination in honeybees वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. तो होमवर्क आप लोगों को एक क्रॉस देती हूँ मैं होमवर्क, ठीक है? हेमोफीलिया का हमने कैरियर नॉर्मल वगैरह सारा कुछ कर दिया. वन क्रॉस होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को मैं, दैट इज हेमोफिलिक मैन. ओके, क्रॉस बिटवीन हेमोफिलिक मैन विथ कैरियर फीमेल. ओके, कल कलर ब्लाइंडनेस का क्रॉस होमवर्क दिया था, राइट? यस यस. आज आप लोगों का होमवर्क हेमोफीलिया मैन विद कलर ब्लाइंडनेस फीमेल. ओके, इसका क्रॉस करना है और प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हाट आर द फीनोटाइप्स और व्हाट आर द जीनोटाइप्स. ओके, समझ में आया सबको? ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. और थोड़ा पूरा एक बार रिवाइज कर लेना जो भी अभी तक हुआ ना पढ़ा के, चैप्टर अभी खत्म होने वाला तो एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, रिविजन बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर. यस मैम. चलो.
चलो बाय, टेक केयर।